हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास ऑफ जीके, एंड टुडे आई विल टीच टू यू पोल्स। ओके, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट पोल्स। आज मैं किसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बच्चों? पोल्स के बारे में। डू यू नो व्हाट इज पोल्स? आप जानते हो बच्चों की पोल्स क्या होता है? यस, बहुत से बच्चे जानते होंगे। पोल्स यानी पोल्स मीन्स ध्रुव। ओके, क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है। ओके, अब देखिए कौन कौन से पोल्स होते हैं। ये देखिए ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नीचे आपका कौन सा पोल होता है बच्चों? साउथ पोल। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टूडेंट्स सम अबाउट थिंग्स ऑफ पोल्स। ओके, तो बच्चों देखिए, यानी ये हमारा कौन सा पोल है? ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल, इसको हिंदी में हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? यानी ये हमारा उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आप बच्चों हिंदी में भी जाननी है और इंग्लिश में भी जाननी है। ठीक है, तो ये हमारा किसके नाम से जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा साउथ पोल। तो साउथ पोल जो हमारा है बच्चों, वो किसके नाम से जाना जाता है? ये हमारा दक्षिणी। तो देखिए बच्चों, ये तो हमारा था नॉर्थ पोल और हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये था हमारा साउथ पोल। ये हमारा कौन सा पोल है बच्चों? साउथ पोल। और इसे हिंदी में कौन सा पोल बोलते हैं? यानी हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। अब देखिए बच्चों, यानी ये हमारी कौन सी लाइन होती है? ये हमारी ज़ीरो डिग्री लाइन होती है। कौन सी? ज़ीरो डिग्री। ठीक है, ज़ीरो डिग्री लाइन होती है। और इसका क्या नाम होता है आपको पता है? दिस इज इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटर बोलते हैं। और हिंदी में इस लाइन को कई नामों से जाना जाता है। डू यू नो, आपको पता है किस किस नामों से जाना जाता है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपने तीन चीज इसमें जाना, थ्री थिंग्स। ठीक है, कि ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये इधर हमारा है साउथ पोल, इसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ये हमारी ज़ीरो डिग्री लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है बच्चों? ज़ीरो डिग्री लाइन होती है। और इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों किसके बारे में? विषुवत रेखा के बारे में। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि विषुवत रेखा क्या होती है। ठीक है, और विषुवत रेखा होती क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमने आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं? विषुवत रेखा के बारे में। तो सबसे पहले, लाइक द इक्वेटर द अदर लाइंस ड्रॉन ऑन मैप एंड ग्लोब्स आर रियल लाइंस। ओके, देखिए बच्चों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, यानी के उत्तर की तरफ, उत्तर समझते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ। किसके तरफ बच्चों? नॉर्थ की तरफ खींची गई जो उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी नॉर्थ की तरफ खींची गई नॉर्थ अक्षांश रेखा। आप किसे बोलते हैं? आपको ये भी नहीं पता होगा कि किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड को बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं? तो लैटिट्यूड को बोलते हैं। किसे बोलते हैं बच्चों? लैटिट्यूड को, यानी नॉर्थ के तरफ लैटिट्यूड लाइंस और जो है, यानी नॉर्थ के तरफ, ठीक है, और इधर दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है बच्चों, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ खींची गई उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण की तरफ खींची गई दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी इधर जो लाइन खींची जाएगी वो क्या कहलाएगी? साउथ लेटिट्यूड, और इधर यानी साउथ लेटिट्यूड लाइंस, और इधर क्या कहलाएगी? नॉर्थ लेटिट्यूड लाइंस। ठीक है,
यानी जो उत्तर की तरफ खींची जाएगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी, और जो दक्षिण की तरफ खींची जाएगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं। और बच्चों एक बार कि जो ये इक्वेटर जो होता है, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दो बराबर भागों में बांट दे, यानी वो लाइंस क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि चलिए हम आपको कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी दिस लाइन, ये लाइन क्या करती है, ये लाइन पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, क्या करती है, विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये लाइन क्या करती है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और इसके उत्तर भाग को, यानी नॉर्थ पोल को, किसके पोल को बच्चों, नॉर्थ पोल को, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध, यानी साउथ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, के नाम से यानी जाना जाता है। इस रेखा की, यानी इस लाइन की कुल लेंथ, यानी इस लाइन की लंबाई कितनी होती है आपको पता है, कितनी होती है, ये देखिए, इस लाइन की पूरी लंबाई इतनी किलोमीटर होती है। ठीक है, यानी 40,076 किलोमीटर होती है, यानी 40,076 किलोमीटर होती है। और बच्चों ये लाइन, ये लाइन ऐसी होती है जहाँ पर वर्ष भर, यानी सूर्य जो होता है पूरे साल चमकता रहता है। जब देखिए बच्चों, जब यहाँ पे सूर्य जो होगा, यानी ये सन जो होगा, यहाँ पर साल भर चमकेगा, ये इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, सन है। ठीक है, ये साल भर क्या करता रहता है, यहाँ पर चमकता रहता है। तो क्या होगा, अभी आप देखिए, जब एक दिन में जब सुबह सूरज निकलता है तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, गर्मी होने लगती है। तो जब यहाँ पर सूर्य साल भर चमकता रहेगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी उच्च होगा, और यहाँ क्या पाया जाएगा, ठंडी की कमी पाई जाएगी। जब यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर ठंडी की क्या होगी, कमी पाई जाएगी। ठीक है, पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, पाई जाएगी। तो इसीलिए इस इक्वेटर पर टेम्परेचर जो होता है बच्चों सबसे, यानी इस क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसका ताप सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए, यानी ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर क्या होता है आपको पता है, यानी पूरे वर्ष भर दिन और रात की अवधि, यानी दिन और रात का समय बराबर होता है। यानी कभी जब नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में क्या होते हैं कि इसी के उल्टे होते हैं, लेकिन ये इक्वेटर ही ऐसी लाइन होती है जहाँ पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यानी और क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। क्या होती है बच्चों, न्यूनतम होती है। और जबकि ध्रुवों पर, यानी यहाँ पर क्या होती है, न्यूनतम होती है, और ये पोल्स पर क्या होती है, अधिकतम होती है। पता चला, यानी इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूनतम होता है और इन पोल्स पर क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। यानी भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर, पोल्स पर ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक बार बच्चों, ऐसी कौन सी नदी है कि जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, आपको पता है? यस, मैंने आपको ये चीज़ें किस चीज़ में बताया था, मैंने आपको SST में बताया था। ठीक है, कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, मैंने आपको रिप्लाई करने के लिए बोला था आंसर, लेकिन किसी भी बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया था, और ना ही उन्होंने हमसे जानने की कोशिश की कि मैम कि कौन सी नदी होती है जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। डू यू नो स्टूडेंट्स, नहीं भी पता है तो चलिए जान जाइए, कांगो और ज़ाइरे नदी होती है जो भूमध्य रेखा को क्या करती है, दो बार काटती है। ठीक है, आपको पता चल गया, दो बार काटती, कौन सी नदी, कांगो और ज़ाइरे। एक तो ये है,
और नोट टू, एक आपको हम बता रहे हैं एक नोट करके कि विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक होती है बच्चों वो क्या है, वो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? इक्वेटर से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य रेखा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया यानी एशिया कंटिनेंट, द्वीपीय देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये था बच्चों किसके बारे में, आपको इक्वेटर के बारे में। अब हम चलते हैं किसके बारे में बताने आपको बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी लाइन बोला जाता है? कर्क रेखा, ठीक है। क्या बोला जाता है हिंदी में? कर्क रेखा। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है मकर, हिंदी में इसे बोला जाता है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या होती है? ये नॉर्थ में आती है और ये साउथ में, दोनों की वैल्यूज उतनी ही होती है 23.5 और 23.5, लेकिन ये क्या है, बस नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसे यानी उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, 23 डिग्री नॉर्थ को किसके नाम से जाना जाता है? उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किससे किससे होकर गुजरती है आपको पता है? एशिया और अमेरिका से होकर गुजरती है। किससे? एशिया और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। अब देखिए इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक। तो देखिए बच्चों हम आपको किसके बारे में बता रहे थे? 23 डिग्री नॉर्थ के बारे में। एक चीज़ और बेटा हम आपको बताना भूल गए सबसे पहले कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर रेखा, यानी पृथ्वी के केंद्र से आभार मानकर, विषुवत रेखा को आभार मानकर कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों? 111 किलोमीटर होती है। और इसी दूरी को कटिबंध या जोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम अब जो बता रहे थे बच्चों वो देखिए, मैंने बताया कि ये इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और मैक्सिको जल संधि से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या करती है बच्चों? ये पूरे भारत को बांटने का काम करती है। क्या करती है? पूरे इंडिया को बांटने का काम करती है, ठीक है। और ये इंडिया की माही नदी को, किस नदी को? इंडिया की माही रिवर को दो बार क्या करती है? काटती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम आपको बताते हैं 23 डिग्री नॉर्थ के बारे में हम बता रहे थे, हम आपको बताते हैं किसके बारे में? 66 डिग्री नॉर्थ के बारे में। अभी हम इसके बारे में बता रहे थे, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये किसके नाम से जाना जाता है? आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है, यानी आर्कटिक, हिंदी में इसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। किसके नाम से? आर्कटिक वृत्त के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आर्कटिक रेखा जो होती है यानी आर्कटिक रेखा, आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, ठीक है, यानी रसिया, नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का, USA, फिनलैंड से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है बच्चों? ये लाइन आपको पता चला, ये लाइन आर्कटिक रेखा जो होती है आर्कटिक ओशियन, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन, अलास्का, फिनलैंड से गुजरती है। और यह कनाडा के ग्रेट वियर झील से होकर यानी ग्रेट वियर लेक से होकर क्या करती है? गुजरती है, ठीक है। अब आपका ये दोनों क्लियर हो गया बच्चों। अब बचा आपका 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, ये बचा आपका, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको बताते हैं आपको कि इसे किस नाम से जानते हैं? इसे लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मकर रेखा बोलते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों देशांतर रेखा को यामोत्तर रेखा के नाम से भी
जाना जाता है। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उल्वादर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम कहाँ होती है, पोल्स पर होती है, और सबसे अधिक कहाँ पर होती है, इस इक्वेटर पर होती है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में बच्चों, 66 डिग्री हाफ के बारे में, साउथ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताएंगे आपको, सबसे पहले अभी आप इसके बारे में जानिए, 23 डिग्री हाफ साउथ के बारे में, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद इसके बारे में जानिए। अब देखिए 23 डिग्री हाफ साउथ के बारे में, यानी 23 डिग्री हाफ दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, और यह इसे मकर वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह बच्चों किससे किससे होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से होकर गुजरती है, ठीक है, पता चल गया किससे किससे होकर गुजरती है। अब बच्चों देखिए, अब हम आते हैं 66 डिग्री हाफ साउथ के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, 66 डिग्री हाफ साउथ के बारे में। देखिए अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। अब देखिए ये अंटार्कटिका का अधिकतर भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और इसलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था किसके बारे में, ये था पोल्स के बारे में, ठीक है। आपको बच्चों आई थिंक पोल्स के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, SST में भी पढ़ा था, और कुछ चीज़ें जो आपकी छूट गई थी वो आपको मैंने इसमें पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ दिस फिगर, ओके, एंड राइट सम पॉइंट्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स अपने मन से राइट करने हैं, और होमवर्क ज़रूर सेंड करना है, ओके। होमवर्क सेंड करेंगे और मैं चेक करूंगी और मैं बताऊंगी इसमें क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, ठीक है, ओके। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू क्लास।